नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। जैसे आप लोगों को सबको पता है, मार्केट में हर रोज काफी सारा कॉल बनता है जिसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है और एंट्री लेने का साथ साथ एग्जिट भी करना कब है, तो देखिए आज को मैं तीन तरह का चार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आज को मार्केट यहाँ पर ओपन हुई है, आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है, तो चार्ट का ऊपर थोड़ा सा नजर देने से दिखाई दे रहा है जो अगले दिन से मेरा बाइंग का कॉल चल रहा है। जो ग्रीन कलर का एरो आपका सिग्नल है, जब भी कोई सिग्नल बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में देखिए उसका डिटेल्स आ जाएगा, जो कौन सा वेल में कॉल दिया है, टारगेट स्टॉप लॉस ईच एंड एवरीथिंग। अब सबसे पहला जो मन में क्वेश्चन आता है, जो कॉल को हम लोग कंफर्म कैसे करेंगे। कॉल तो बहुत सारा बनता है। एंट्री लेने का पहले एक ट्रेडर को यहाँ पर तीन चीज देखना है, बाइंग का टाइम नीचे का रिवर का कलर क्या है। अगर ग्रीन है इसका मतलब है ऑलरेडी मार्केट में बायर स्ट्रांग है। सेकंड कंडीशन है बाय का कॉल का पहले हमेशा एक ग्रीन कलर का स्टार बनना चाहिए, और नीचे वाला जो ब्रिक्स इंडिकेटर है उसका कलर को ग्रीन होना चाहिए और ये व्हाइट का ऊपर होना चाहिए। अगर ये तीन पैरामीटर मैच है तभी जाके इस कॉल को हम लोग स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। तो लॉजिकली ये जो बाय का कॉल बना था ये स्ट्रॉन्ग कॉल था। आज को देखिए मार्केट ओपन यहां पर हुआ है। अब क्या होता है, अगर अगले दिन का कॉल आज को कैरी फॉरवर्ड होता है तो यहां पर रूल यही है जो आपको फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ने के लिए वेट करना है। जैसे फर्स्ट कैंडल का हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगा और अगले दिन का सारा कंडीशन आपका फेवर में है तो आप यहां पर बाय कर सकते हैं। और बाइंग करने का टाइम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये आपका रेजिस्टेंस है, मतलब मुझे आइडिया है जो इतना दूर तक शायद मार्केट मुझे प्रॉफिट दे देगा। तो इस उम्मीद से मैं यहां पर सेकंड कैंडल पे एंट्री लूंगा, बट एंट्री लेने का बाद हमेशा एक इंट्राडे ट्रेडर को अलर्ट होना चाहिए जो मार्केट कहां पर रिवर्स कर रहा है, और उसके लिए नीचे का जो ब्रिक्स इंडिकेटर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रिक्स का कलर रेड हो गया तो यहां से आपको समझ जाना है जो शायद नेगेटिविटी बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बट जैसे जैसा दिखाई देगा जो ये व्हाइट का नीचे आ जा रहा है तो आपको पोजीशन तुरंत स्क्वायर अप कर लेना चाहिए, भले ही आप यहां पर लॉस खा रहे हैं, बट ज्यादा वेट मत कीजिएगा। बहुत टाइम हम लोग देखे हैं, हम लोग वेट करते रहते हैं एक्सपेक्टेशन लेके और मार्केट इतना नेगेटिव चला जाता है उसका बाद हम लोग उसको रिकवर नहीं कर पाते। अगर मार्केट आपका अगेंस्ट चला गया तो तुरंत पोजिशन को निकाल लेना ही अच्छा रहेगा। अल्टीमेट देखिए ब्रिक्स धीरे धीरे नीचे आ गया और देखते देखते यहां पर सेलिंग का कॉल बन गया। सेलिंग का जैसे कॉल बना, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटेल्स था बाइंग का वो सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। इसमें भी वही सेम कंडीशन को देखना है, स्टार नीचे का रिबन और ब्रिक्स तीनों का तीनों कंडीशन मैच है तो आप यहां पर भी सेल कर सकते हैं। तो कंडीशनली ये कॉल काफी अच्छा रहा, एंड एंट्री लेने का बाद यहां पर भी आपका जो ध्यान रहेगा नीचे का ब्रिक्स का तरफ रहेगा। ब्रिक्स का कलर जब तक रेड है आपका पोजिशन सिक्योर है। जैसे कोई ब्रिक्स का कलर में ब्लू है, ब्लू होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ब्लू ब्रिक्स का ऊपर स्टॉप लॉस सेट कर लेते हैं, मतलब यहां पर आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं एज पर ब्लू ब्रिक्स। ब्लू का मतलब यह है रिवर्सल, अगर मार्केट ऊपर चला गया तो स्टॉप लॉस होकर निकल जाएगा, अदरवाइज आप दोबारा उसी पोजीशन को कंटिन्यू करते रहेंगे। एक्चुअली एग्जिट का मेन जो कंसेप्ट है, जब तक ब्रिक्स व्हाइट का ऊपर नहीं जाता है तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखते देखते देखिए अभी मैं लाइव सिचुएशन में आ गया, अभी लाइव मार्केट चल रहा है तो मार्केट यहां पर आ गया है, जितना गिरना था मेरे ख्याल से गिर चुका है मार्केट। अभी मुझे थोड़ा सा वेट करना है ब्रिक्स के लिए, कभी ब्रिक्स व्हाइट को तोड़ के ऊपर चला जाए। जैसे ब्रिक्स व्हाइट को तोड़ के ऊपर का तरह मूवमेंट करना शुरू कर देगा आपको पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेना है। नीचे का रिबन अभी भी रेड है, मतलब अभी भी सेलर स्ट्रांग है। देखिए ये जो ब्रेकडाउन बोल के जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, इसका नीचे मार्केट आ जाने का मतलब है मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड में चला गया है, तो कभी भी यहां से रिवर्स हो सकता है। तो ऐसा सिचुएशन में जितना जल्दी हो सके प्रॉफिट लेके निकलना ही बेटर रहेगा। ऊपर में जो एलटीपी है ये टिक बाय टिक जैसा पर टर्मिनल में चलता है यहां पर भी वैसे ही चलेगा, कोई भी डिले का कोई ऑप्शन नहीं है, एकदम रियल टाइम चलेगा। और इस स्ट्रैटेजी को देखते हुए आप नॉर्मली अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं या ऑप्शन ट्रेडर है तो आप इसको देखते हुए भी ऑप्शन का काम कर सकते हैं। तो लॉजिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक से जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग का थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसा हम लोग एलेक्स ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारे फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। थैंक यू।